बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चे बच्चों, कल 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 5 का AVS यानी हमारी दुनिया का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग AVS के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है, जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास 4 में हो, क्लास 6, 7, 8 में हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीकली टेस्ट के इम्पोर्टेंट वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप अपने भाई बहन, दोस्त और मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, बस किस ईंधन से चलती है? विकल्प दे रखा है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी पेट्रोल, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चा, बस को चलने के लिए ईंधन चाहिए और यह चलती है पेट्रोल या फिर यहाँ पे डीजल रहता तो भी सही होता। पेट्रोल या फिर डीजल रहता तो यहाँ पे सही होता, ठीक है? तो याद रखना है, पेट्रोल या फिर डीजल, इससे यहाँ पे बस चलती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कहाँ तेल का कुआं है? तेल का कुआं का मतलब क्या है कि उससे तेल निकाला जाता है, ठीक है? आप सभी जानते हो कि जो तेल है वो एक भूमिगत संसाधन है, मिट्टी के नीचे मिलता है। तो पहले तेल को यहाँ पे निकाला जाता है और निकाल करके उसको रिफाइनरी किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। तो भारत में असम, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगह तेल के कुआं हो। आप सभी जानते हो कि तेल हम लोग जो है गाड़ियों में पेट्रोल पंप में भराते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप के नीचे तेल नहीं होता है, उसमें तेल का कुआं अलग से बनाया जाता है और उसमें बाहर से तेल ला करके उसमें भरा जाता है, ठीक है? वहाँ पे भूमि में नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, बस किस ईंधन से चलती है? हमने अभी देखा बस किस ईंधन से चलती है, तो ये दो क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे, डीजल पेट्रोल ये दोनों हो सकता है। और दोनों में से यदि दोनों विकल्प दे रखे हैं तो आपको डीजल को चुनना है। चौथा प्रश्न करते हैं, ट्रैफिक लाइट पर गाड़ियों को रोकने के लिए किस रंग के लाइट का प्रयोग किया जाता है? आप सभी जानते हो बच्चा कि ट्रैफिक लाइट में तीन तरह के लाइट रहते हैं, पहले लाल, फिर पीला और फिर हरा, ठीक है? आप सभी जानते हो कि तीन प्रकार के लाइट रहते हैं। पहले तो सबसे नीचे रहेगा हरा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बीच में रहेगा पीले रंग का, और सबसे ऊपर कौन सा रहता है? सबसे ऊपर रहता है लाल। अब आप बारी बारी से सभी बत्तियों के मतलब बताइए कि यदि लाल बत्ती जलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पीला बत्ती जलेगा इसका मतलब क्या होगा, और हरा बत्ती जलेगा इसका मतलब क्या होगा। तो लाल बत्ती का मतलब होता है रुकना, लाल बत्ती जल जाए तो रुकना। पीला बत्ती का मतलब होता है इंतज़ार करो, ठीक है? इंतज़ार करना पीला बत्ती का मतलब होता है। और हरा बत्ती, हरा मतलब होता है जाना, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा पीला का मतलब इंतज़ार करना, लाल का मतलब रुकना और हरा का जाना। तो गाड़ियों को रोकने के लिए लाल रंग के यहाँ पे प्रकाश का उपयोग किया जाता है। चाहे आप ट्रैफिक लाइट की बात करो, ट्रेन की बात करो, सभी के लिए यही होता है, ठीक है? अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न दे रखा है, पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण, अनवीकरण, दोनों या कोई नहीं? बच्चा, हम सभी ने अभी जाना कि पेट्रोल भूमिगत संसाधन है, यानी भूमि के नीचे पाया जाता है। अब पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ होगा? एकाएक तो यह नहीं बना होगा, पेट्रोल यहाँ पे जो बहुत करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु थे, उन्हीं जीव जंतुओं के दबने से, उनके जो अवशेष हुए, उन्हीं से पेट्रोल का निर्माण हुआ है। और जितने भी पेड़ पौधे लाखों करोड़ों साल पहले ज़मीन के नीचे जब गए थे, उनके दबने से कोयला का निर्माण हुआ है। तो बात करें पेट्रोल की या फिर कोयला की, तो ये दोनों अनवीकरण संसाधन हैं। अनवीकरण संसाधन का मतलब यह होता है कि यदि यह एक बार समाप्त हो जाए तो इसके पूरा पुनः निर्माण में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। जिसका निर्माण तुरंत हो उसको बोलेंगे नवीकरण, और जिसका निर्माण लाखों करोड़ों साल के बाद हो उसे बोलेंगे अनवीकरण। जैसे एक बार कोयला का भंडार समाप्त हो गया तो फिर से लाखों करोड़ों साल हमें इंतजार करना पड़ेगा। यदि एक बार पेट्रोल ख़त्म हो गया पूरा
भंडार खत्म हो गया तो हमें फिर से लाखों करोड़ों साल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये दोनों अनवीकरण संसाधन हैं। क्या कोई ऐसे संसाधन भी हैं जो नवीकरण हैं, जिसका निर्माण तुरंत हो जाएगा? तो बोलेंगे हाँ, जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश, सन आ रही है, आप देखते हो कि रात में सूर्य का प्रकाश समाप्त हो गया, सुबह में फिर आ गया, यानी इसके भंडार असीमित है, आप जितना प्रयोग करते जाओ। याद रहेगा बच्चा? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न। छठा प्रश्न दे रखा है, भारत में कहाँ तेल शोधक कारखाने हैं? तेल शोधक कारखाने जहाँ पे तेल को रिफाइन किया जाता है, तेल जो बदबूदार होता है, गाढ़ा तरल द्रव होता है, उसे पेट्रोल की शक्ल देना, एक द्रव की शक्ल देना कहाँ पे होता है? तो लिखेंगे भारत में डिगबोई और बरौनी में तेल शोधक कारखाने हैं, रिफाइनरी से यह तेल सभी पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, डिगबोई और बरौनी याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, उन वाहनों के नाम लिखे जो पेट्रोल से चलते हैं। तो ये तो आसान है, लिख देंगे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार। हाँ, कुछ हद तक कार भी चलती है। आठवां प्रश्न है, किस ईंधन से खाना पकाने पर धुआं नहीं निकलता है? तो लिखेंगे एलपीजी से खाना पकाने पर धुआं नहीं निकलता है। आप सभी देखते हो कि आपके घर में जो गैस सिलेंडर है उससे खाना पकाते हैं तो धुआं नहीं निकलता है। इसके अपेक्षा आप यहाँ पे गोईठा की बात करो, कोयले की बात करो, लकड़ी की बात करो, तो इससे हम लोग खाना पकाते हैं तो काफ़ी मात्रा में धुआं निकलता है। नौवां प्रश्न है, किस वाहन से धुआं नहीं निकलता है? तो साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। ठीक है, इसमें ईंधन नहीं लगता है तो इसमें धुआं नहीं निकलता है। दसवां प्रश्न है, प्राचीन काल में यातायात के कौन कौन से साधन थे? तो लिखेंगे प्राचीन काल में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी, ऊंट, गधा यातायात के साधन थे। आप अपने दादाजी से पूछिए कि जब वे अपने घर जाते थे या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे तो किस पर जाते थे, तो ये सभी इन्हीं वाहनों का नाम लेंगे। ठीक है, तो बच्चा यह था 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी जल्दी से यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आप सभी ने इस वीडियो में कितना सीखा, कौन कौन सी नई चीज़ें आपने सीखा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अच्छा से टेस्ट दीजिएगा कल, और आप सभी तैयार रहिए। आपको टेस्ट के बाद फिर से मैं यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो यहाँ पे आपको 20 दिसंबर से होना है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको जुड़े रहना है। थैंक यू बच्चा।